हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू मेरा कलेक्शन। मैं आप लोग के लिए आज प्रिंटेड कलेक्शन लेकर आई हूँ, लेकिन ये हमारे पास स्टिच्ड कलेक्शन अवेलेबल है। तो इसमें आपको जो साइज़ मैं दिखाऊंगी सारे एक्सेल हैं, ठीक है। एक्सेल का मतलब होता है 42 चेस्ट साइज़, ठीक है। तो उसी के हिसाब से होगा। फर्स्ट मतलब एक सूट की मैं आपको कम्प्लीट मेजरमेंट बता दूँगी और बाकी सारे सूट्स की भी वही सेम मेजरमेंट रहेगी। तो इसमें हमारे पास टोटल 7 डिज़ाइन हैं मैं आप लोगों को जो आज दिखाने वाली हूँ। डिफरेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंटेड कलेक्शन है, तो मतलब जितना भी आपको पूरा ऊपर ये डिज़ाइन विजिबल हो रहा है, ये सारा सब कुछ जो है वो प्रिंटेड है, ठीक है। इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी कोई लेस वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये हमारे जो है ये डेली वेयर पर्पज़ के हिसाब से हैं, क्योंकि प्रिंटेड है तो आप मतलब बाहर पहन जा सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रिंटेड मोस्टली घर में ही पहनते हैं, तो वो इस वजह से डेली वेयर कलेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास कलेक्शन है ये मतलब पूरा प्रॉपर कॉटन वाला कलेक्शन है। इसमें कोई मिक्स्ड फैब्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ना दुपट्टे में ऑप्शन है। इसमें हमारा शर्ट, बॉटम एंड दुपट्टा तीनों चीज़ें आपको हमारे पास कॉटन में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है इसका ब्रिक रेड टाइप का शेड है, ठीक है। एकदम वाइब्रेंट वाला रेड शेड नहीं है, ब्रिक रेड शेड है। और उसके ऊपर ये मतलब फ्रंट साइड है, तो ये आप देख रहे हो जितना भी सब कुछ आपको विजिबल हो रहा है, ये सारा सब कुछ इस पर प्रिंट है, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है, पूरा बैक साइड का आप प्रिंट चेक कर लीजिए, ये बैक साइड का प्रिंट हो जाएगा इस पर, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स का प्रिंट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। एंड इसमें ऑलरेडी मेंशन भी है 42 साइज़, ये देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको सारा आइडिया हो जाए। लेंथ भी बता दूँगी मैं आपको, तो देखिए 21 आ रहा है एक तरफ का, तो मतलब 42 चेस्ट साइज़ रहेगा इसका। और आपका जो कमर का साइज़ है वो 20 एक तरफ से, मींस 40 हो जाएगा। और जो आपका हिप साइज़ है वो है आपका 44, ठीक है। तो और अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी लेंथ, बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, वेस्ट साइज़ बता दिया आपको, हिप का साइज़ बता दिया आपको, चेस्ट साइज़ बता दिया, ठीक है। लेंथ इसकी जो है वो है 39। तो 39 में देखिए आगे आप फर्दर लेस वगैरह लगा के एक्सटेंड कर सकते हैं, इफ़ इन केस आपको एक्सटेंड करना है, बट इसमें 39 ही लेंथ आपको दी हुई है। ये हो जाएगा हमारा शर्ट वाला डिज़ाइन, शर्ट का पीस। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो ट्राउज़र है। ट्राउज़र में देखिए इसमें अच्छी बात ये होती है कि पैंट स्टाइल नहीं आता। पैंट स्टाइल में दिक्कत ये आती है कि किसी को तो साइज़ सही आ जाएगा, बट किसी को साइज़ सही नहीं आता है, तो उसमें फिर आपको करवाना पड़ेगा टेलर से वो सब है। तो इस वजह से इसमें जो देते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, लेंथ प्रॉपर रहती है इसमें। इसमें आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड एक मिनट, एक चीज़ देखती हूँ फिर बताती हूँ, नहीं पॉकेट नहीं है इसमें। एंड इसमें ब्रिक रेड शेड का ही आपको दिया हुआ है ट्राउज़र, ठीक है। एंड ट्राउज़र का आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो बारीक वाला जो पैंट स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ इसमें नहीं है, तो आपको फिटिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया जो उसका साइज़ है वो एक्सेल है, तो उसी के ही हिसाब से आपको ट्राउज़र भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसमें कमर का साइज़ जो है बिना स्ट्रेच करे आपको जो है बता देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने के बाद तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपके पास जो स्टिच हो ना प्लाजो टाइप का, आप उससे मेजर कर सकते हैं, तो साथ में आपको पता चल जाएगा अंदाजन कंपैरिजन करके कि आपका कितना रहेगा। ये 16 आ रहा है स्ट्रेच करे बिना। और लेंथ मैं आपको इसकी बता देती हूँ, इसकी जो लेंथ है ट्राउज़र की 42 है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ट्राउज़र इसका, ये देख लीजिए ये ट्राउज़र है। और दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें दुपट्टे में ना कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको ओनली कॉटन का ही दुपट्टा इसमें मिलेगा एंड प्रिंटेड दुपट्टा है। और ये आप देख सकते हो, इसको देखिए वॉश जब आप करेंगे तो फर्स्ट वॉश के बाद में ये बिल्कुल गफ़ पड़ जाएगा। गफ़ का मतलब ये होता है बिल्कुल जो आप मलमल वाला कॉटन जिसको बोलते हो ना, ये वही सेम आ जाएगा। एंड दुपट्टा भी आप देखिए कितना लंबा चौड़ा दुपट्टा दिया है, फुल प्रिंटेड है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पीस था जिसको मैंने एकदम डिटेल में क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा मतलब इसमें और 6 डिज़ाइंस हैं दिखाने के लिए मेरे पास, तो मैं अब आपको वो दिखाती हूँ, बट मेजरमेंट मैंने आपको सारा कंप्लीट करके बता दिया है, तो यही सेम मेजरमेंट भी उनका रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किसी ने मिस आउट कर दिया, अगर कोई अभी ऐड हुआ है मतलब उसमें प्रीमियर में, तो आप लोग प्लीज़ एक फ़र्स्ट वाला डिज़ाइन उसको दोबारा से जो है देख लीजिए, जिसमें कि मैंने पूरा कंप्लीट मेजरमेंट आपको बताया है। ये अब जो सेकंड डिज़ाइन है हमारा ये है ब्लैक कलर में, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि इसमें लाइनिंग है या नहीं। तो ये वाला जो डिज़ाइंस होते हैं, ये वाले जो डेली वेयर प्रिंटेड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कॉटन फैब्रिक पर होता है। कॉटन में कभी भी कोई लाइनिंग लगी हुई नहीं आती है,
लाइनिंग आपको जो मिलेगी वो हमेशा या तो जॉर्जेट की फैब्रिक में मिलेगी, अगर जॉर्जेट पे कोई सूट है या ऑर्गेन्जा का कोई सूट है जो कि पार्टी वेयर उसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट में, तो उसमें आपको लाइनिंग मिलती है। बट ये कॉटन वाले डिज़ाइन में आपको लाइनिंग नहीं मिलती है, ठीक है। आप प्रिंटेड लें, आप एम्ब्रॉयडर्ड लें, आप कुछ भी लें, कॉटन का अगर आप ले रहे हो तो उसमें लाइनिंग लगी हुई नहीं आती है। ये अब है सेकंड डिज़ाइन ब्लैक कलर का, ठीक है, जिसपे कि पूरा प्रिंट है, आप देख सकते हैं लाइट शेड का प्रिंट आपको मिलेगा इस पर, ठीक है। मेजरमेंट सब कुछ सेम है, ये बैक साइड है, ये देख लीजिए, ये स्लीव्स हैं इसकी, ठीक है। प्रिंट मैं आपको दिखा देती हूँ स्लीव्स का, ये इसके बैक साइड का प्रिंट है, और ये है इसका ट्राउज़र, ब्लैक कलर में ट्राउज़र दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको अगर आपको थोड़ा सा और मतलब स्टाइलिश टाइप का बनाना है तो आप वही लेसेस वगैरह ऐड करवा लीजिएगा, जैसे कि इस वाले डिज़ाइन में आप कोई भी चिकनकारी या कुछ वैसी वाली चौड़ी सी लेसेस आती हैं आप उनको लेके स्लीव्स पर दामन पर भी लगवा सकते हैं, वो अच्छा लगता है काफ़ी। और ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा आप देख लें, इसका पूरा प्रिंटेड दुपट्टा है, वही डबल शेड में है जो कि सूट में आ रहा है, और लंबे चौड़े दुपट्टे दिए हैं इनमें, प्रॉपर नमाजी दुपट्टा है, कोई आपको दिक्कत परेशानी साइज़ के रिगार्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड डिज़ाइन हमारा हो गया ब्लैक कलर में। अब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा बहुत ही लाइट सा पर्पलिश टाइप का शेड, बहुत ही सोबर पीस है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास है सेम, मतलब देखिए साइज़ तो सेम है, सब में एक्सेल है, एंड यहाँ पे आपका ऑलरेडी टैग लगा हुआ है एक्सेल का, प्रिंट है बाकी का सब कुछ जो आपको इसमें विजिबल हो रहा है। फ्रंट साइड ये पूरा प्रिंटेड है, ये इसकी बैक साइड है, पूरी प्रिंटेड आपको मिल जाएगी बैक साइड, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये है इसकी स्लीव्स, तो ये आप स्लीव्स देखेंगे, ये पूरा इसकी स्लीव्स हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना ये कोई डिफेक्ट डैमेज नहीं है, डबल शेड में दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट में आपका आ जाएगा एंड दोनों स्लीव्स पर है, ठीक है। डिफेक्ट डैमेज होता तो एक ही तरफ होता, बट ये आपका प्रिंट में है, ये मैंने बात यहीं पर क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि काफ़ी बार ये डाउट आता है, तो इस वजह से आपको कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि कुछ आपको फील हो, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दी वाली बात। और इसका ये है पैंट, तो पैंट जो उसमें दी है वो कंट्रास्ट में आपको पिंक कलर में दिया है, ठीक है, एंड वही है मेजरमेंट सेम है, फैब्रिक कॉटन आपको मिलेगा, और ये इसका दुपट्टा है कॉटन मटेरियल में, ये भी मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये पूरा हो जाएगा इसका दुपट्टा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन, ये हमारा हो गया लाइट पर्पल शेड में। अब मैं जो आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ वो है हमारा वाइट कलर में, लाइक प्रॉपर वाइट शेड नहीं है बट हाँ ऑफ वाइट भी नहीं कह सकते इसको, तो ये इस टाइप का शेड है, लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, कंट्रास्ट काफ़ी प्यारे से हैं, ये इसमें आप देखिए ये पूरा प्रिंट है इस पर, बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा सूट लग रहा है, कलरफुल प्रिंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा दामन पर दिया है, और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड आप चेक कर लीजिए, बहुत ही प्रिटी एकदम प्रिंट के साथ है, ये देख लीजिए। और ये है इसकी स्लीव्स, ये स्लीव्स पर भी आपको थोड़ा बहुत ना कंट्रास्ट में शेड में प्रिंट में दिया हुआ है। और ये है इसका दुपट्टा है, पहले मैं आपको ट्राउज़र रख के दिखा देती हूँ, ट्राउज़र सेम कलर में है, ठीक है, इस टाइप से है। मैं पूरा ओपन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मतलब पूरा ओपन करूँगी प्लेन है, वैसे भी आपको वही सेम चीज़ें हैं, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, एग्जैक्टली सेम सारे डिज़ाइंस एग्जैक्टली सेम हैं, बिल्कुल किसी में भी कोई चेंज नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको फ़ौरन बता दूँगी, ठीक है। ये इसका डबल करके मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, काफ़ी कलरफुल दुपट्टा है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कॉटन फैब्रिक में है, इनमें दुपट्टे में कोई ऑप्शन नहीं आता है, ओनली आपको कॉटन का ही दुपट्टा ये मिलेगा इसके साथ में, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमारा है वो फिरोजी कलर में है, ठीक है, ब्लू शेड है, ये देख लीजिए, ये भी बहुत प्यारा है, इस पर पिंक कलर का साथ में जो है वो प्रिंट आपको मिलेगा देखने के लिए, पहले तो ये देख लीजिए, ये स्लीव्स हैं इसकी, ठीक है, पूरे प्रिंटेड स्लीव्स हैं ये, एंड ये इसका शर्ट का फ्रंट साइड है, प्रिंट आप चेक कर लीजिए, और ये है इसकी बैक साइड, ये देख लीजिए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, पैंट स्टाइल ट्राउज़र नहीं है ये, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो प्लाजो स्टाइल होता है ना ये उस टाइप का है, क्योंकि इसमें अगर पैंट स्टाइल देंगे तो बहुत ज़्यादा साइज़ में इशू आ जाता है, तो ऐसा हमारा जो है इसमें देते हैं स्टिच्ड वाले में कि सबको ऑलमोस्ट सबको 90% 95% को फिट आए, तो उसके हिसाब से देखिए बिल्कुल शॉर्ट वाला नहीं है, इसमें आपका हल्का सा जो है वो इतना रहेगा, लाइक ऐसे नापते ना आप लोग, तो इस टाइप से आप समझ लीजिए इतना आ रहा है इसका, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं बट ये नापने का तरीका है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, काफ़ी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, पता भी चल जाएगा आप लोगों को। तो ये है इसका दुपट्टा, मैं डबल करके आपके सामने पकड़ा हुआ है इसको, और प्रिंट आपको मैं इसका चेक करा रही हूँ, ठीक है, मलमल में इसका दुपट्टा है,
और ये हमारा वीडियो का थर्ड लास्ट डिज़ाइन था। दो ही डिज़ाइंस रह गए दिखाने के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो टोटल 7 डिज़ाइंस थे हमारे इस वाली वीडियो में। ये इसका पीच कलर में है। अभी नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस कलेक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। स्टिच्ड वाले आप लोग काफ़ी मतलब डिमांड में भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। ये 7 डिज़ाइंस हैं आज वाली वीडियो में, और भी आगे मैं अपलोड करूँगी वीडियो आई थिंक नेक्स्ट वीक या इसी वीक के लास्ट में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास डिज़ाइंस अवेलेबल हैं प्रिंटेड, उसमें तो ये वाले हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रेट सेम रहेंगे आज वाली के भी, और जो मैं बाद में आपको बता रही हूँ अपलोड करने के लिए, उसके भी रेट सेम रहेंगे, ठीक है। ये पीच कलर में है, इसका थोड़ा सा डार्क पिंक के साथ में कॉम्बिनेशन में आपको प्रिंट मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। साइज़ सेम है, सब कुछ सेम है इसका, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड का प्रिंट है, बैक साइड का आप चेक कर लीजिए, बहुत डिसेंट से प्रिंट दिए हुए हैं इसमें। ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है, इसका भी पूरा प्रिंट आप चेक कर लीजिए। ये इसका पीच कलर में, सेम कलर में आपको ट्राउज़र का मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल नहीं कह सकते, आई एम सॉरी, बट हाँ ये स्टिच ट्राउज़र है, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये इसका दुपट्टा है, तो दुपट्टा वही दो शेड्स में आपको दिया हुआ है जिसमें कि आपका शर्ट पे है, ठीक है। प्रिंट में पिंक आ रहा है, डार्क पिंक, तो उसमें आपका पूरा एक मतलब कंट्रास्ट टाइप का बना के दुपट्टे में डार्क पिंक दे दिया है, ठीक है। प्राइस सबका सेम है, प्राइस चेंज नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो का टाइटल पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने प्राइस जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी वीडियो का लास्ट पीस, जो कि है बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू शेड, ब्लूइश ग्रीन शेड है, लाइक प्रॉपर ब्लू शेड नहीं है, ब्लूइश ग्रीन टाइप का शेड है। एंड ये हमारी वीडियो का लास्ट पीस है, ये देख लीजिए। कलर लाइट है, मतलब बहुत डार्क वाला शेड नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा खिलता हुआ सा शेड है। और ये इसका प्रिंट है पूरा, आप देख सकते हो, ठीक है, ये देख लीजिए। इसकी बैक साइड का प्रिंट है, और ये है इसकी स्लीव्स, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसका ट्राउज़र सेम कलर में आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए, ट्राउज़र है ये इसका। और ये है इसका दुपट्टा, तो दुपट्टा मैं खोल के दिखाती हूँ। मैंने दुपट्टे का आपको ऑलरेडी बता दिया है, दुपट्टा मलमल कॉटन में है, बट आपको जब रिसीव होगा, जैसे कि अब मैं छू रही हूँ उसको, तो मुझे लगेगा खड़ा खड़ा सा है। इसमें कलफ लगा हुआ होता है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। आप इसको वॉश, जब फर्स्ट वॉश आप करोगे, उसके बाद में ये सॉफ्ट पड़ जाएगा, ठीक है। मलमल कॉटन ही इसमें आता है, इसमें भी मलमल कॉटन दिया है, बट कलफ लगा हुआ आता है काफ़ी बार, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट पीस है, प्राइस सबका सेम है, मैंने ऑलरेडी वीडियो के टाइटल में मैंशन कर दिया है। एंड जो फैब्रिक है कॉटन है, आप मतलब जो शर्ट है बॉटम है एंड इसका जो दुपट्टा है, वो आपको तीनों चीज़ें जो हैं आपको कॉटन फैब्रिक में दी हुई हैं, ठीक है। और एक्सेल साइज़ में ही हैं। देखिए साइज़ जो होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, क्योंकि हम इसको स्टिच नहीं करवाते, ये हमारे पास ऑलरेडी कंपनी से ही जो है स्टिच के ही उसमें कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो मोस्टली एक्सेल साइज़ ही आता है, 42 साइज़ आता है, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ को 42 जो है वो परफेक्ट साइज़ माना जाता है, तो इस वजह से 42 साइज़ ही ज़्यादातर हमारे पास इसमें आता है। लार्ज वैसे कभी कभी किसी किसी डिज़ाइन में आता है, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक्सेल साइज़ में ही इसमें अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।